नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान सुरक्षित पनाहगार बन गया है। आतंकवाद पाक सेना और विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गया है। भारत लगातार पाकिस्तान के इस दोगले चेहरे को दुनिया के सामने लाने में लगा है। वहीं पाकिस्तान के इस चरित्र से अब दुनिया भी वाकिफ होने लगी है, जिसका असर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पर दिखा है। जहां जहां इमरान खान गए हैं, सिर्फ अपमान का घूंट पीकर रह गए। 13 और 14 जून को SCO सम्मेलन में पहुंचे इमरान खान को वहां पर भी तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, न हाथ मिलाया न कोई बातचीत की। तो वहीं इमरान खान की तरफ किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की खास रुचि नहीं दिखी। इसी कड़ी में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। 24 जून को भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। माइक पोम्पियो भारत के बाद श्रीलंका और फिर जापान जाएंगे। वहीं उन्होंने पाकिस्तान से दूरी बना ली है। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का किसी भी तरह से समर्थन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के राजनयिकों को दिए जाने वाले टैक्स में छूट को भी खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के राजनयिक वाशिंगटन से महज 25 किलोमीटर दूर तक ही जा सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा दूरी तक नहीं जा सकेंगे। और अगर जाते हैं तो उसके लिए उन्हें अमेरिकी प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अमेरिका ने साफ किया है कि वाशिंगटन में काम करने वाले पाकिस्तानी राजनयिकों को इस तय सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि पिछले साल ही पाकिस्तान से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की आर्थिक मदद को रोक दिया था। अमेरिका ने साफ किया था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 24 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं के साथ होनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।